दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ऐसे पांच बहुत ही कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स करने वाले हैं जो बहुत ही क्रिएटिव एंड बहुत ही यूनिक होंगे। एंड ये वीडियो में हमने जितनी भी फोटोग्राफी करी है आप लोग अपने खुद के मोबाइल फोन से ही क्लिक कर सकते हो, आप लोगों को कोई महंगा फोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो गाइस मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद वो सारी वीडियोस को जरूर से देखना। एंड गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे के वीडियो को लाइक कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले पोज एंड टिप से। सबसे पहले पोज बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो क्या करना है इसमें आप लोगों को एक क्रिकेट बॉल की जरूरत पड़ेगी एंड आप लोगों को एक बैट की जरूरत पड़ेगी। सिंपली जो हमारा बॉल होता है उसको एकदम अच्छी तरीके से गीला कर देना है। एंड गाइस ये पानी हमने समंदर से भरा है तो प्लीज कॉमेंट में कोई भी हेट मत करना। तो क्या करना है, जो बॉल होता है उसको अच्छी तरीके से गीला कर देना है एंड गीला करने के बाद जो मॉडल होगा सिंपली बैट को ऊपर की तरफ रखते हुए कुछ इस तरीके से पोज देगा एंड उसके बाद जो बॉल होता है सिंपली ऐसा स्विंग करते हुए फोटो को रैंडमली क्लिक कर लेना है। एंड ये फोटो एक बार में परफेक्ट नहीं आएगी, 2-3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। एंड फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग की फोटो बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही क्रिएटिव देखने को मिलेगी। एंड अगेन बोल रहा हूँ प्लीज आप लोग क्लीन वाटर को वेस्ट मत करना। बढ़ते हैं गाइस दूसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। दूसरा पोज गाइस मेरा फेवरेट पोज है एंड आप लोग कमेंट में जरूर बताना है कि आपका फेवरेट पोज कौन सा है। तो क्या करना है, इसमें आप लोगों को एक मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल तो फोटो क्लिक करने के लिए एंड एक एक्स्ट्रा मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा मोबाइल है उसको सिंपली लकड़ी में कुछ इस तरीके से बांध देना है, धागे की मदद से या फिर टेप की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एंड उसके बाद जिस फोन से हमें फोटो को क्लिक करना है उसमें हम लोग को सेल्फी कैमरा ओपन कर लेना है एंड फोन को जमीन पे रख देना है। एंड जमीन पे रखने के बाद फोन के नीचे कोई सा भी एक सामान रख देना है, पर्स या फिर कोई भी चीज जिससे आगे का हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ रहे। एंड गाइस उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल में 5 या 3 सेकंड का टाइमर सेलेक्ट कर देना है। टाइमर सेलेक्ट करने के बाद जो मॉडल होगा सिंपली कुछ इस तरीके से शॉकिंग रिएक्शन देगा, जैसे हमारे हाथ से मोबाइल गिर जाता है ना नीचे, शॉकिंग रिएक्शन देते हैं, तो कुछ इसी तरीके का रिएक्शन देते हुए फोटो को क्लिक करवा लेना है। फोटो क्लिक करने के बाद ये फोटो को ओपन करना है रिटच एप्लीकेशन में एंड जिस लकड़ी में हमने फोन को बांध रखा था सिंपली वो लकड़ी पे कुछ इस तरीके से पेंट कर देना है। एंड पेंट करने के बाद आप लोग की फोटो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही क्रिएटिव देखने को मिलेगी। एंड गाइस ये फोटो को कलर करेक्शन किया गया है लाइट रूम एप्लीकेशन में। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आगे आप लोग देख सकते हो कि फोटो को कलर करेक्शन कैसे किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज लाया हूं, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं फिर आगे का वीडियो देखते हैं। तो गाइस ज़िवोनिक्स नाम का एक ब्रांड है जहां पे आप लोगों को ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप लोग देख सकते हो काफी अमेजिंग है एंड ज़िवोनिक्स का जो प्रोडक्ट होता है इनकी खास बात यह है कि ये जो अपना प्राइस काफी कम रखते हैं फीचर्स के हिसाब से। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसका जो प्राइस है ये सिर्फ आप लोगों को 1499 में मिल जाता है एंड इसके अंदर और भी काफी सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, रेडियो एंड बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड आप लोग ये हेडफोन भी देख सकते हो, इसका भी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अमेजिंग है एंड इसका जो प्राइस है 499 में मिल जाता है एंड 1 साल की वारंटी के साथ। ऑल्सो आप लोग ये लैपटॉप स्टैंड भी देख सकते हो, अगर आप लोग ये लैपटॉप स्टैंड अपने लैपटॉप में लगाते हो तो स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। इससे रिलेटेड और भी प्रोडक्ट आप लोग को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाते हैं ज़िवोनिक्स.com पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार जाके इनकी वेबसाइट जरूर से विजिट करना अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स परचेस करने हो तो। एंड कमाल की बात यह है कि हमारा एक कूपन कोड है स्मार्ट10 करके, अगर आप लोग ये कूपन कोड अप्लाई करते हो परचेस करते टाइम तो आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट पे। एंड गाइस ये वीडियो में मैंने एक गिव अवे भी रखा है जिसमें आप लोग को इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट आप लोग को मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड में मैंने बताया कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो वीडियो के एंड तक देखना। बढ़ते हैं गैस तीसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। तीसरे पोज में गैस हम लोग फोटोग्राफी नहीं, हम लोग वीडियोग्राफी करने वाले हैं, जैसे कि बहुत लोगों का डिमांड था एंड ट्रस्ट मी गैस ये वीडियोग्राफी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो क्या करना है, इसमें आप लोगों को 2 लोकेशन की जरूरत पड़ेगी एंड दोनों लोकेशन एकदम एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा पहला लोकेशन गार्डन एरिया है एंड दूसरा लोकेशन कुछ इस तरीके से वॉल पे पेंटिंग बनी हुई है, तो दूसरा लोकेशन हमारा वैसा रहेगा। तो जो भी लोकेशन आप लोग चॉइस करोगे वहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि कोई एक पेड़ होना चाहिए या फिर कोई भी खंभा या फिर कोई भी दीवार होनी चाहिए जहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल का कैमरा ब्लॉक कर सको। तो आगे का स्टेप एकदम ध्यान से देखना, तो सिंपली हमें वॉक करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है एंड जैसी पेड़ आएगा वहाँ पे हम लोग को अपना मोबाइल चिपका के वीडियो को पॉज कर देना है, वीडियो को स्टॉप नहीं करना है, वीडियो को पॉज कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना है दूसरे लोकेशन पे एंड दूसरे लोकेशन पे जाने के बाद जो खंभा था वहाँ पे हम लोग को अपने मोबाइल को चिपका के वीडियो को प्ले कर देना है एंड सेम पहले की तरह वॉक करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है एंड उसके बाद वीडियो कर लेना है स्टॉप। एंड स्टॉप करने के बाद जो वीडियो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो वीडियो एकदम ध्यान से देखना।
बढ़ते हैं गाइस चौथे पोज एंड टिप्स की तरफ। चौथे पोज में आप लोग एक टेबल की जरूरत पड़ेगी एंड उसके बाद आप लोग एक लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करना है, टेबल के ऊपर सिंपली लकड़ी को कुछ इस तरीके से रख देना है एंड उसके बाद हमें कुछ इस तरीके, जैसे हम लोग सर्फिंग करते हैं ना वाटर में, तो कुछ इस तरीके का पोज देते हुए फोटो को क्लिक करवा लेना है। एंड फोटो क्लिक करने के बाद ये फोटो को ओपन करेंगे रिटच एप्लीकेशन में एंड जो नीचे का टेबल था सिंपली कुछ इस तरीके से पेंट कर देंगे। एंड पेंट करने के बाद आप लोग की फोटो बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा आप लोग हवा में सर्फिंग कर रहे हो। एंड ये सेम पोज आप लोग टेबल के ऊपर सॉफ्ट चीज रखते हुए दे सकते हो, ये फोटो भी बहुत ही ज्यादा ऑसम देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं गाइस पांचवे पोज एंड टिप्स की तरफ। पांचवे पोज गाइस थोड़ा सा डेंजर टाइप में होने वाला है, ज़ॉम्बी लोग होते हैं ना हाथ पर कटा होता है, बिल्कुल उस तरीके का ही पोज होने वाला है। एंड इससे मिलता जुलता पोज हमने पिछले वीडियोस में भी कर रखा है, बट इस बार हम लोग ने थोड़ा एडिशनल करा है। क्या करना है, इसमें आप लोगों को तीन लोग की जरूरत पड़ेगी। तो जो सबसे पहले वाला बंदा रहेगा वो क्या करेगा, अपना एक हाथ टी शर्ट के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देगा एंड ऊंचाई पे जाके बैठ जाएगा। एंड जो तीसरा वाला बंदा रहेगा उसको क्या करना है, अपना सिर्फ एक हाथ ऊपर की तरफ रखना है, बाकी अपना पूरा जो बॉडी है उसको पत्थर के पीछे छुपा लेना है। एंड ये फोटो हम लोग थोड़ा सा लो एंगल से क्लिक करेंगे ताकि जो तीनों बंदे के जो भी चीज हम लोग ने हाइड कर रखा है वो फोटो में ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये फोटो थोड़ा सा लो एंगल से क्लिक करना है। तो गाइस फोटो को कर लेते हैं क्लिक। फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग की फोटो एकदम ज़ॉम्बी टाइप में देखने को मिलेगी। एंड गाइस ये फोटो को भी हमने कलर करेक्शन किया गया है लाइटरूम एप्लीकेशन में। एंड अगर आपको जानना है कि कलर करेक्शन कैसे किया जाता है फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये थे आज के पांच मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पांचों बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर भी गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट पोज एंड टिप्स कौन सा था। ओके, तो अब बात कर लेते हैं गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की। तो पार्टिसिपेट करना बहुत ही ईजी है, आपको ये वीडियो को बस लाइक एंड शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। एंड ये वीडियो में आप लोग को कॉमेंट करना है, आप लोग को जो भी ठीक लग रहा हो, गलत लग रहा हो, जो भी लग रहा हो आपको बस ये वीडियो में कॉमेंट कर देना है। एंड आज से ठीक 10 दिन बाद मैं कॉमेंट पिकर से कोई भी एक विनर को पिक कर लूंगा एंड अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप कमेंट करते हो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि विनर कौन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना। तो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।